मोइन अख्तर मुझे रोज फोन करके कह रहे हैं टाइम दो, हनीफ राजा है वो रोज मुझे फोन करके बुलाते हैं, कहाँ मेरे पास टाइम है। मोइन अख्तर आपको फोन करके बुलाते हैं? क्यों, आपका क्या मतलब है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफशीन अंसारी है। लें, आजकल तो बच्चे बच्चे के मुंह पे नाम अफशीन अंसारी है। वो हुमायूं सईद के साथ हीरोइन आ रही हूँ। अच्छा, आपको पता है आप किसी से बात नहीं कर रही हैं, आप मुझसे बात कर रही हैं। मुझे आपसे नहीं बात करनी अभी। ऐसे करोगी तो कैसे आओगी आगे? ऐसे कोई बड़ों से बात कर, आपने लेके आना मुझे आगे। तुम बोलो, तुम एक बोलो, मैं मोबाइल करती हूँ, तुम्हें कहाँ काम करना है, क्या करना चाह रही हो? तेरे मोबाइल की जरूरत नहीं, उठ के ना उठ जाके बैठ। अरे तुम्हें बात करने की नहीं तमीज, गल करने की तमीज नहीं आई, उठ तो उठ चल के बैठ। चल पता नहीं कौन है कौन नहीं है, अभी मेरे नाल आके मेरा सिर खान लग गई। एक तो मैं यहाँ आके बैठी, ऊपर से तुम टुकर 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 बोले चली जा रही हो। मैं बोला नहीं टुकर टुकर के, तू बोला नहीं टुकर टुकर। चल उठा तो उठ चल के बैठ जा। कितनी तेरी है ना रिस्पेक्ट, चल फिर अपने जेड़े रिस्पेक्ट वाले ने ना उन्हें को चल के बैठ। चल उठा तो, ये तो वक्त बताएगा मैं उठूंगी या तुम। यार कौन है ये ना मेरा सिर खा, तो चल मेरी भैन उठे चल के बैठ जा। अबे यार सर में कुछ होगा तो खाऊंगी भूसा, खा के अपना मुंह गंदा करूंगी। अरे अरे हुमैरा अरशद तो बहुत गुस्से हो चुकी हैं, और अभी तो असल प्रैंक का हिस्सा बाकी है। हमने उनको अंदर रिकॉर्डिंग पैनल पे किसी बहाने से बुलवाया, और हमारे एक दूसरे कैरेक्टर ने उनके बैग में अफशीन अंसारी का मोबाइल फोन रख दिया। अल्लाह ये तो आ गया डायरेक्ट चोरी का इल्जाम। गल्ला करी जान दी, और अब मैं कई बजा रही हूँ कि जी मैं नहीं थोड़ा ना गल करनी, तुसी उठे जाके बैठ जाओ। अब फिजूली गल्ला करी, कोई नहीं से यही रखा था मैंने अपना मोबाइल। बात सुने यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं है कि इनका मोबाइल कोई उठाए, ये खुद ही थी या मैं थी या ये थी, बस इसके अलावा तो कोई यहाँ पे आया ही नहीं। अभी यहाँ रखे वो अंदर उन्होंने बुलाया है। आपने तो यहाँ इस बैग को खोला भी नहीं है, तो ना मैंने आपके हाथ में मोबाइल देखा। बैग के अंदर थोड़ी था ना, मेरे हाथ में था। आप अंदर उठ के गई, आप अंदर देख लो। 50 ये तो मेरे मोबाइल की आवाज है। मेरा मोबाइल, एक मिनट, एक सेकंड ठहरे, एक सेकंड, एक सेकंड रुक। ये किसने रखा मेरे पर्स? आपने रखा किसको? तो मुझे तो उसी वक्त लग रहा था ये कोई सही नहीं है। आप बकवास बंद करें, आपने रखा है मेरे पर्स में ये? हाँ, मैं अपना मोबाइल तो तुम्हारे पर्स में रखूंगी, मुझे तो तुम शक्ल से ऐसी लग रही थी। आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रही हैं मैंने आपका ये 6,000 का मोबाइल अपने पर्स में रखा ताकि मैं इसको बेचूं और मैं इसे पैसे खा लूं। ये लो, इतना तो मैंने कहा भी नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। सुनो बंद करें आप, ये चाहती थी मैं, ये चाहती क्या गई हूँ यहाँ रख के गई हूँ एक घंटे से, ये मेरा मगज खा रही है, एक घंटे से मेरा सर खा रही है, इन्होंने मेरा मोबाइल रखा। ये देखिए मैं चोर हूं, ये तो शक्ल लग रही थी मुझे। बकवास बंद करें, आपकी शक्ल चोरों जैसी लग रही है, मोटी भैंसी। एक धक्का मैंने वहां जा चोरी करेगी आपने, आप वहां जा करोगी मेरे। ये तो इस, ये जो साथ आपने चेली रखी हुई ना, इसकी तो शक्ल ही मुझे चोरों जैसी। इस चेली को छोड़े, उस चेले को देखें, कहा के दादा लगे। आप प्लीज आप मेरे पर्स में भी पैसे थे। क्या मतलब है? ये सिर्फ 1,000 रुपया है, इसमें मैंने, इसमें मेरा 25,000 रुपया पड़ा हुआ था, वो किसने निकाला? जिसने मोबाइल रखा है उसने 25,000 भी मेरा निकाला है। मुझे अब आप 25,000 देंगी तो मैं यहाँ से जाऊंगी, इसके अलावा नहीं तो अभी पुलिस आएगी और आपको भी मैं मजा चुकाऊंगी, और ये जो आपके सारे लोग हैं ना इनको भी। नहीं मुझे बताएं मेरा 25,000 रुपया कहाँ है? आप लोग मेरी बात सुने, क्या आपकी बात सुनो? अब आपका गुस्सा कहाँ गया? अब 25,000 आ गए तो आपका गुस्सा चला गया साथ ही। हमारे कैरेक्टर ने बताया कि ये हनीफ राजा के शो के लिए आपके साथ एक प्रैंक किया है। हनीफ राजा साहब भी होते मेरे तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा आपके अलावा। हनीफ राजा है वो उधर पैनल पे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये अच्छा मजाक है, अभी अगर मैं आपके थप्पड़ मार देती तो तुम्हें खा लेती।